من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الناس أنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة माह शाबान जा रहा है और माह रमजान आ रहा है, यानी पैगंबर इस्लाम का महीना जा रहा है और अल्लाह का महीना आ रहा है। माह रमजान अल्लाह का महीना है। खुदावंद आलम ने इस महीने को अपनी जात से मखसूस किया। इस महीने की अपनी अजमत और अपना एहतराम है। खुदावंद आलम ने इस महीने को मोहतरम जाना है। इस माह रमजान की खुसूसियात को देखते हुए खुदावंद आलम ने 12 महीनों में अगर किसी महीने को कुरान में जगह दी है तो वो है माह रमजान, जहां इरशाद होता है शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़ल फ़ीहिल कुरान। माह रमजान ये वो महीना है कि जिसमें खुदावंद आलम ने तमाम आसमानी किताबों को नाजिल किया, तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इसी महीने में नाजिल हुई, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर इसी महीने में नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इसी महीने में नाजिल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसी महीने में नाजिल हुआ। ये वो महीना है कि जिसमें खुदावंद आलम ने मोमिनीन को मदऊ किया है, यानी अल्लाह इस महीने में मेज़बान होता है और तमाम मखलूक इस महीने में अल्लाह के मेज़बान होती है। इस महीने में अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, इस महीने से बहुत कुछ फायदा उठा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान को माह रमजान की मारिफत हो। किसी भी चीज से अगर इंसान फायदा उठाना चाहता है या उसकी तह तक पहुंचना चाहता है या मकसद और हदफ तक पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले इंसान को चाहिए कि उसकी मारिफत हासिल करे। मारिफत इतनी अहम चीज है कि खुदावंद आलम ने अपनी मारिफत के लिए एक मखलूक को खल्क किया, जैसा कि हदीस कुदसी में इरशाद होता है, कुंतो कंजम मुखफिया, मैं एक छिपा हुआ खजाना था, फअहबबतु अन उरफ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फखलक्तुल खल्क, तो मैंने एक मखलूक को खल्क किया। जाहिर है अगर उसने एक मखलूक को न खल्क किया होता तो लोग खुदा की मार्फत कैसे हासिल करते, खुदा को कैसे पहचानते कि वो रहीम है तो किस एतबार से, करीम है तो किस एतबार से।
लिहाजा उसने अपनी मार्फत के लिए, अपने आप को पहचानवाने के लिए एक मखलूक को खल किया ताकि उसे पहचानवाए, और जब उसे सही तरीके से कोई पहचानवा देगा तो फिर उसकी उसी एतबार से इबादत भी होगी, उसकी उसी एतबार से इताअत भी होगी। और जब इंसान को किसी चीज की मार्फत नहीं होगी तो फिर जो हक है वो हक नहीं अदा हो सकता। आज अगर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने अगर खुदा को न पहचानवाया होता तो जिस तरीके से हम आज उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी इताअत कर रहे हैं, हर हुक्म के सामने हम सर खम किए हुए हैं, ये कभी ऐसा ना होता। लेकिन मार्फत के नतीजे में कि खुदा की जात ऐसी है, इंसान हर हुक्म के सामने तस्लीम है, नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, हज भी कर रहा है, सारे उमूर अंजाम दे रहा है। अगर इंसान को किसी चीज से फायदा उठाना है तो मारिफत जरूरी है। इसीलिए दीन में अव्वलुद्दीन मारिफतो, मौलाए कायनात ने फरमाया दीन की इब्तिदा मारिफत है। इंसान को चाहिए कि पहले मारिफत है, दीन की मारिफत होनी चाहिए, कुरान की मारिफत होनी चाहिए, इस्लाम की मारिफत होनी चाहिए, सारी चीजों की मारिफत होनी चाहिए, तब इंसान जाके उसका हक अदा कर सकता है। जहां मारिफत नहीं होती वहां फिर इंसान को कुछ हासिल नहीं होता, उसके हाथ जो चीज लगती है वो महरूमियत, इंसान महरूम रह जाता है। यही वजह है कि आज आप देखें कितने माह रमजान आए और चले गए, कितने शाबान आए और आके चले गए, लेकिन हमें जो नसीब हुई जो चीज और जो चीज हमें मिली सिर्फ और सिर्फ महरूमियत मिली, इसलिए कि हमने न माह शाबान की मार्फत हासिल की न हमने माह रमजान की मार्फत हासिल की। जिस तरीके से शाबान को पहचानना चाहिए हमने नहीं पहचाना, जिस तरीके से माह रमजान को पहचानना चाहिए हमने नहीं पहचाना। लिहाजा आज तक हमारे पास जो भी चीज आई है वो महरूमियत, उसके अलावा कुछ और नहीं आई। जब इंसान को मार्फत किसी चीज की नहीं होती तो इंसान मकसद तक नहीं पहुंच सकता, इंसान उसके हदफ तक नहीं पहुंच सकता, इंसान उसके तह तक नहीं पहुंच सकता। जब मार्फत नहीं होती तो इंसान सिर्फ और सिर्फ रसूमात में उलझ कर रह जाता है, वो काम नहीं करता जो करना चाहिए। आज जितनी भी तारीखें इस तरह की हैं जिसमें हमसे इबादत और इताअत का मुतालबा किया गया है, जिसमें हमसे आमाल का मुतालबा किया गया है, चूंकि उस दिन उस रात उस महीने की हमें मार्फत नहीं है, लिहाजा उन तमाम चीजों से हम महरूम रह जाते हैं, और जो हमारे रस्म और रवाज हैं सिर्फ उन्हीं रसूमात में हम उलझ कर रह जाते हैं जो हमारे बाप दादा ने कायम कर रखा है। नतीजे में उन तमाम चीजों का असर हमारे वजूद पे किसी तरह का नहीं होता। माह रमजान आ रहा है और इस माह रमजान के लिए उलमा उरफा जो सालिकीन इल्लाह हैं वो रमजान के महीने के लिए तड़पते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कब माह रमजान आए। वाकई माह रमजान आ रहा है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, माह रमजान में हमें दाखिल होना है, अल्लाह का मेहमान हमें बनना है। यह माह रमजान कद अकबल इलैकुम शहर, तुम्हारे पास आ रहा है। जाहिर है एक मेहमान की हैसियत से हमारे पास आ रहा है, हमें इस माह रमजान का इस्तकबाल करना चाहिए, आगे बढ़ के इसका इस्तकबाल करें। लेकिन इंसान इस्तकबाल उसी वक्त करता है और इस्तकबाल का हक उसी वक्त अदा करता है जब उसे उस चीज की मार्फत होती है। जब मार्फत नहीं होती तो
तो इंसान इस्तकबाल का हक नहीं अदा कर पाता। अगर हम माह रमजान का इस्तकबाल करना चाहते हैं तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम माह रमजान की मार्फत हासिल करें। जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज किया भी कि हर चीज की इब्तिदा जो है मार्फत। अगर इंसान को मार्फत नहीं है तो इंसान उसका हक नहीं अदा कर सकता। लिहाजा माह रमजान की सबसे पहली चीज हमें माह रमजान की मार्फत हासिल होनी चाहिए। आज यही मार्फत न होने की वजह से माह रमजान जैसा महीना आता है जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बिल बरकत वर रहमत वल मगफरा, जब ये आता है तो अपने साथ बरकत लेके आता है, रहमत लेके आता है, मगफरत लेके आता है, लेकिन ये सारी चीजें लेके फिर चला जाता है। हम न रहमत ले पाते हैं, न बरकत ले पाते हैं, न मगफरत ले पाते हैं। हम हर चीज से महरूम रह जाते हैं। क्यों महरूम रह जाते हैं? इसलिए कि माह रमजान की हमें मारिफत नहीं होती। हम जब माह रमजान का इस्तकबाल करने भी आते हैं, देखिए कई लोग हैं, कई तरह के लोग हैं जो अपने अपने एतबार से माह रमजान का इस्तकबाल करते हैं। जो अहले मारिफत हैं वो माह रमजान का इस्तकबाल इबादत के जरिए करते हैं, इताअत के जरिए करते हैं, मगफरत के जरिए करते हैं। कि खुदा वंदे आलम की इतनी इबादत कर लें, इतनी इताअत कर लें, इतनी जो है मगफरत कर लें कि खुदा हमें माफ कर दे, ताकि इस मुबारक और बाबरकत महीने का हम इस्तकबाल कर सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो माह रमजान का इस्तकबाल इस एतबार से नहीं करते, वो किसी और एतबार से करते हैं। माह रमजान आ रहा है, अब मस्जिदों में चूनाकारी होना है, घरों में पेंट होना है, चना और मटर आना है, खाने पीने का इंतजाम करना है। इंसान इसी चीज में उलझ कर रह जाता है। फला दिन इफ्तारी भेजना है, फला दिन ये करना है, फला दिन वो करना है, यानी जो बाप दादा की रस्में होती हैं उन्हीं तमाम रस्मों में इंसान मुब्तला रहता है। लेकिन जो अहले मारिफत होते हैं उन्हें इन तमाम चीजों की फिक्र नहीं होती। उन्हें अगर फिक्र होती है तो सबसे पहली फिक्र मारिफत के बाद मगफरत की होती है कि इन महीनों में रजब और शाबान में तौबा और इस्तगफार करके खुदा से बख्शिश तलब करें ताकि खुदा हमें माफ कर दे। और जब खुदा हमें माफ कर देगा तो फिर माह रमजान जैसे महीने में हम अगर दाखिल होंगे तो खुशी महसूस होगी। लेकिन जब इंसान इन तमाम चीजों से महरूम रहता है इबादत और इताअत, तो फिर माह रमजान जब आता है तो फिर महरूमियत के अलावा इसके हाथ कोई और चीज नहीं लगती। तो पहली चीज माह रमजान के अगर इंसान को इस्तकबाल करना है तो उसे मारिफत होनी चाहिए माह रमजान की कि माह रमजान क्या है, वरना उसके रोजे, उसकी नमाजें, उसकी और तमाम खिदमात जो भी होंगी उस मकाम तक उसे नहीं ले जा सकती जहां उसे जाना चाहिए। मार्फत बहुत जरूरी है। मार्फत नहीं होगी तो इंसान अपने एतबार से वो तमाम काम करेगा जिसका कोई फायदा नहीं होता। हजरत अली अलैहिस्सलाम किसी जंग के लिए जा रहे थे, मकाम अंबार से आपका गुजर हो रहा था। मकाम अंबार के जो लोग थे जब उनको यह मालूम हुआ खलीफे वक्त अपनी फौज और लश्कर के साथ इस तरफ से गुजर रहा है, उन लोगों को बड़ी खुशी महसूस हुई ये खलीफे वक्त हमारे यहां से गुजर रहा है। उन लोगों ने आपस में यह तय किया कि हम सब उस खलीफे वक्त का इस्तकबाल करें। इस्तकबाल के लिए आमादगी शुरू हुई, इस्तकबाल के लिए तैयारी शुरू हुई। और जब हजरत अली अलैहिस्सलाम मकाम अंबार में पहुंचे तो ये लोग इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े।
और हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे और पहुंचने के बाद उछलना शुरू किया, कूदना शुरू किया, दफ बजाना शुरू किया, अपने अंदाज से हजरत अली अलैहिस्सलाम पर इस्तकबाल कर रहे थे। जब उनके इस्तकबाल का ये तरीका मौलाए कायनात ने देखा, पेशानी पे बल पड़ गए, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कहा मौला आका मैं आपके इस्तकबाल कर रहा हूं। कहा ये किस तरह का इस्तकबाल है? कहा आज तक जितने भी खलीफा और जितने भी सरदार इस तरफ से गुजरे हैं, हम सब ने इसी तरह से उनका इस्तकबाल किया है, नाच के, उछल के, कूद के, नारे लगा के, दफ बजा के। मौलाए कायनात ने उनसे फरमाया कि देखो ये जो तुम इस्तकबाल कर रहे हो, ये इस्तकबाल तुम्हारा कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं, न दुनिया में न आखरत में। दुनिया में तुम्हें तकलीफ और अजियत, और आखिरत में इसका कोई सिला नहीं है, कोई अज्र नहीं है। यानी खसरत दुनिया वाल आखरत, दुनिया में भी तुम घाटे में हो और आखिरत में भी तुम घाटे में हो। ये किसने कहा कि हमारा इस्तकबाल इस तरीके से किया जाए? कहा मौला हम ऐसे ही करते चले आए हैं, हमेशा हमने सरदारों का ऐसे ही इस्तकबाल किया है। मौलाए कायनात ने कहा अगर इस्तकबाल किसी का किया होगा तो किया होगा। मैं कौन हूं, क्या हूं, तुम्हें मेरी मारिफत नहीं है, तुम पहचानते नहीं हो। अगर काश तुम मुझे पहचानते होते तो जिस तरीके से सबका इस्तकबाल किया वैसे मेरा इस्तकबाल ना करते, इसलिए कि मैं और हूं वो और हैं। वो दुनियादार लोग थे, मैं दीनदार हूं, मैं अल्लाह वाला हूं, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, खलीफतुल्लाह हूं। हमारा इस्तकबाल इस तरीके से नहीं किया जाता जैसे तुम इस्तकबाल कर रहे हो। तो जाहिर है जब किसी चीज की मारिफत नहीं होती तो लोग दुनिया में भी खसारा में होते हैं और आखिरत में भी खसारे में होते हैं, नुकसान के अलावा कुछ उनके हाथ नहीं आता। इस्तकबाल तो किया लेकिन इस इस्तकबाल ने उन्हें कोई फायदा ना पहुंचाया सिवाय अजियत और तकलीफ और अजाब के। माह रमजान का इस्तकबाल सब करते हैं अपने अपने अंदाज से, लेकिन उस तरह का इस्तकबाल अगर हम करें जैसे मकाम अंबार वालों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम पे इस्तकबाल किया तो दुनिया और आखिरत दोनों में हम खसारे में रहेंगे। लेकिन अगर अहले मारफत बन के अगर हम माह रमजान का इस्तकबाल करते हैं, दुनिया में भी हम फायदे में होंगे और आखिरत में भी हम फायदे में होंगे। इस महीने की हम मारिफत हासिल करें और इस मारिफत के जरिए खुदा तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर हम खुदा तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर यकीनन ये माह रमजान आने से कोई फायदा नहीं होगा। इतना अजीम महीना आ रहा है, इतना बेहतरीन महीना आ रहा है कि जिस महीने में एक इंसान अपने आप को चाहे तो एक बेहतरीन इंसान बना ले। लिहाजा हम बाप दादा की रस्मों को छोड़ें कि वो क्या करते चले आए हैं, हम इबादत करें, हम इताअत करें, हम सारे उमूर अल्लाह के लिए अंजाम दें, हम जो भी करें खुदा के लिए करें, और ये तमाम चीजें अंजाम देके हम अल्लाह के खास बंदों में शुमार हों। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, ये हमारा हदफ होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए। तो आज जो हम माह रमजान का इस्तकबाल करने जा रहे हैं, इस्तकबाल के लिए पहली चीज जो होनी चाहिए वो ये कि हम माह रमजान की मारिफत हासिल करें। और जिस दिन माह रमजान की हमें मारिफत हो गई उसके बाद जो हमारा पहला काम होगा वो ये कि हम खुदा वंदे आलम से मगफरत तलब करें, परवरदिगारा मुझे माफ कर दे ताकि मैं तेरा मेहमान बन सकूं, ताकि मैं माह रमजान में दाखिल हो सकूं, ताकि माह रमजान से फायदा उठा सकूं,
अपनी बख्शिश करवा सकूं, अपनी तकदीर और जिंदगी को संवार सकूं। ये इंसान उस वक्त कर सकता है जब माह रमजान की मार्फत हो, वरना अगर सिर्फ रसूमात में उलझ के रह गया तो याद रखें कभी भी इंसान हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। और आज मुश्किल हमारे साथ यही है, आज मुश्किल हमारे साथ यही है कि जब भी इस तरह के महीने आते हैं, चाहे रमजान हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सफर हो, ये इतने अजीम महीने जो हिदायत का बेहतरीन जरिया हैं, इन तमाम महीनों में हम रसूमात में उलझ के रह जाते हैं, हकीकत तक नहीं पहुंच पाते। वरना एक माह रमजान हमारी जिंदगी को बनाने और संवारने के लिए काफी है। आज हमारी जिंदगी क्यों नहीं बनती? माह रमजान खत्म होने के बाद जहां कहा गया है या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजा रखो ताकि मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, एक महीने के बाद हम मुत्तकी क्यों नहीं बन पाते, परहेजगार क्यों नहीं बन पाते, एक बेहतरीन दीनदार और अच्छा इंसान क्यों नहीं बन पाते? वजह यही है कि हमें माह रमजान की मार्फत नहीं हो पाती। जब मार्फत नहीं होती तो मार्फत न होने के नतीजे में महरूमियत के अलावा न हमारे हाथ तकवा आता है, न हमारे हाथ एक इंसान कामिल आता है, कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ महरूमियत होकर रह जाती। लिहाजा खुदा बंदे आलम से हम दुआ करें, परवरदिगारा माह रमजान आ रहा है, इस माह रमजान में हमें इतनी तौफीक दे दे कि जब माह रमजान आए तो हम माह रमजान की मार्फत हासिल करके तेरी इबादत कर सकें, तेरी इताअत कर सकें और तुझसे मगफरत तलब कर सकें, ताकि हम एक बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बन सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।